बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम में सहाबियात की ज़िंदगी में मुसलमान ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। सहाबियात की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मर्दों के शाना बशाना काम किया, मार्कों में शिरकत की, ज़ख्मियों को पानी पिलाया। ऐसा ही एक नाम है हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अनसार के कबीला अबी मालिक बिन अनजार से था। हज़रत उम्मे अतिया हिजरत मदीना से पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहद रिसालत में मार्कों में शिरकत करती रहीं, मर्दों के लिए खाना पकाती, सामान की हिफाजत करती, मुसलमानों की तीमारदारी और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा सईदा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको गुस्ल दिया। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ हदीसें भी रवायत की हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और ताबईन कराम इनसे मैयत नहलाने का तरीक़ा सीखते थे। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहकाम नबवी की ख़ास पाबंदी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेते हुए इनसे कुछ अमूर का वादा लिया था, उन्होंने हमेशा इसकी पासदारी की। सहाबियात के हालात ज़िंदगी में मुसलमान ख़वातीन के लिए ये सबक है कि वो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की रोशनी में गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।